किसान राजा राम, गांव रतनपुर। राम राम भैया। राम राम भैया। अपने अजोलापन ने बनाई थी तो क्या भैया 8-10 रोज तो भर गया नहीं? हाँ देखो ये देखो। अच्छा ये भर गया नहीं राजा कोई? एक एक साइड से निकालेंगे तो बेगर निकाले का। हाँ? और धोई का और फिर बाटा में खिलाऊंगा भैंस का। बाटा तो भाई एक जानवर कितना खिलाऊंगा अपना भी? एक किलो सवा किलो भैंसा। हाँ? दूध वाला जानवर है नहीं? दूध वाला सभी का खिले सकता है। अच्छा भैया ये का टोपली में क्यों धो दो? मतलब कचरो निकल जाए, कचरो मट्टी। अच्छा भैया तुम लोग क्यारी के ऊपर क्यों धो? मतलब पानी एक आज में रहेगा। हाँ? और अपन को पानी के मतलब ये लगेगा जरूरत एक आज में। हाँ भैया। हाँ? कई बैठे तुम एक मसीह? ये कचरो रहेगा ये बड़ो बड़ो। हाँ? ये भी नहीं खाई रहो भैया। अभी अपने अजोला धोएगी। हाँ आप कहीं कराएंगे अपन? एक शुक्ला मिलेगा और भैंस के खिलाएंगे। अच्छा शुक्ला मिला है ना भैया? कैसे मिला भैया बताओगे? हाँ भैया अरे अपना डाल देख मैं। आप कहीं कराएंगे अपन? अभी भैंस के खिलाऊंगा। अच्छा अच्छी मिला नहीं खिलाऊंगा कैसे खिलाऊंगा? ये डाल दे ये सुखलो। हाँ, और अभी का भेज के रख देगा तो खा ले भैया। अपना मिलाई दियो आप क्या करेंगे? भेज के खिलाओ। भेज के खिलाओ भैया। हाँ? अगर बहुत सारी भेज ने कभी अगर नहीं खाए। हाँ? तो क्या करना चाहिए? एक हम थोड़ा सा वाटो डाल दे फिर नमक डाल दे। अच्छा कितना तो डालना चाहिए वाटो या मतलब एक दो मुट्ठी? अच्छा मिलाई दो मतलब एक दो मुट्ठी वाटो डालना चाहिए और थोड़ा नमक। अच्छा तो अच्छी खाई लेगी भैया। हाँ तो अजोला खिलाना क्या लाभ है? मतलब एक ढोर भैंस का हरा चारा की पूर्ति हो सके। हाँ? और मतलब दूध बड़ा है और। हाँ? फेट भी अच्छा ठीक है खासी। एक आम प्रोटीन है। हाँ? और भैंस गाय खिलाना के लिए ठीक है घर बनी सके। हाँ? 50-60 रुपया खर्चो एक आम बस। अच्छा तो 50-60 रुपया का खर्चो एक में? पल्ली लाना को। पल्ली लाना खर्चो है नी। हाँ तो भैया किसान भाई और बहन ने कई संदेश दोगे? हाँ यह अजोला एक हरी कंजी है मतलब हर किसान का बनाना चाहिए और बैल भैंस सबको खिलाना चाहिए। ये किसान भाई से हमारा संदेश है। धन्यवाद भैया। हाँ। जो तुमने हमको अच्छी जानकारी दी अजोला बनाने के लिए एक लिए धन्यवाद। हाँ।